Thank you for Kavita Trust. And congratulations to Kavita Trust for giving me this chance here and for doing this noble work. This noble work which concentrates on poetry. And while thanking them, मैं अगर हिंदुस्तानी में कुछ लफ्ज बोल लूं तो वो ना हिंदी है ना उर्दू है, हिंदुस्तानी जबान मिली जुली से बोलता हूं जिस तरह, और उसमें ये कि मुझे एहसास हुआ पहली बार, ये आई रियलाइज इट, कि आपको बड़ा तंदुरुस्त हेल्दी स्टडी विद ऑल मसल्स घोड़ा होना चाहिए फॉर समबडी टू विन अ जैकपॉट. सो कांग्रेचुलेशन टू द जैकपॉट विनर एंड थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ गुड, गिविंग मी अ कैटेगरी ऑफ अ गुड रनिंग हॉर्स. आई फील स्टडी एंड आई फील लाइक बींग स्केच्ड आउट बाय आइदर एम एफ हुसैन और तलुलूत्रे. The speed of his horses, and I promise to keep my pace and keep running till you win the jackpot again. दोस्तों ये बात कविता की बहुत अजीब सी है कि कविता क्या है, और मैं आपसे कविता के बारे में बात करूं. अपनी कविता के बारे में कहना कुछ आसान होता है, लेकिन कविता ये ऑनर क्या है, ये वैसे ही है जैसे किसी को जिंदगी समझ में आ गई कि जिंदगी ये है, तो किसी को समझ में आ गया कविता क्या है. ना कविता समझ में आई ना जिंदगी समझ में आई. और with all the intellectuals and readers and writers like these sitting in front of me from Konkani, poets of Konkani language. Ab wo mujhse inspiration kya karenge, they don't know. I'm a very clever person. Main unse inspiration lene ke liye aa gaya hu. Ye Konkani se nahi, Konkani ko dena kya, Konkani se lene ke liye bahut kuch hai, uske liye aaya. Aur unke samne itna hi keh sakta hu कि वो उबलती हांडियां और इतनी सारी बबलिंग यूटेंसिल्स ऑन द ओवन, उबलती हांडियां और इतनी सारी, सभी ने जिंदगी चूल्हे पे रखी है, न पकती है न गलती है. उबलती हांडियां और इतनी सारी, वही हाल कविता का है, वही हाल जिंदगी का है. कि ना ये कभी कविता पूरी तरह पकी और ना जिंदगी पूरी तरह पकी. और शायद यही सबसे खूबसूरत बात है जिंदगी की, कि आपको उसमें कोई सिरा कहीं नहीं मिला. जो सिरे मिले वहां से चल दिए, जो जिसके हाथ में जो सिरा मिला वहां से सफर अपना शुरू कर लिया. मुझे भी एक सिरा मिल गया था, मैंने कविता का सफर शुरू कर लिया अपना. लेकिन किसी का कोई तय रास्ता नहीं है, फिर भी एक कोशिश जरूर है. क्योंकि जिस तरह हम समाज और सोसाइटी में एक सर्टन कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस और कोई मॉरल्स और वो बना लेते हैं, कोई संबंध, कोई इस तरह के सलीके जीने के, इस तरह शायरी भी अपने कोई ना कोई तरीके और कोई ना कोई उसके उसकी बाउंड्रीज, उसके स्टाइल्स और उसके बनाती रही जरूर. लेकिन ये कहें कि हम ग्रामेटिकली या साइंटिफिकली मैथमेटिकली नाप के कहें ये कविता है, तो ये मुमकिन नहीं है. ये मुमकिन उसी तरह नहीं है जैसे आप जिंदा हैं तो सांस लेते हैं, बस इतना ही जिंदगी के बारे में कह सकते हैं, हाँ ये जिंदा है तो ये जिंदगी है. लेकिन जिंदगी की डेफिनेशन वो नहीं होती सांस लेना. इसी तरह शायरी में अगर मैं कहूं कि हाँ इसमें राइम्स मिलते हैं इसलिए ये पोएम है, इसलिए ये पोएट्री है, तो उसका पोएट्री होने का सबूत नहीं.
इट मे बी कॉल्ड अ वर्स, क्योंकि वो सांस ले रही है, क्योंकि उसके राइम्स मिलते हैं, इसलिए उसे कहेंगे ये पोइट्री, ये पोएम है, या उसके मीटर्स हैं। मेरा ख्याल है शायरी सफर करते करते वहां तक पहुंची जहां ये महसूस हुआ कि ये राइम्स जो हैं ये पल्ले पड़ गए हैं, बिल्कुल पीछे ही पड़ गए हैं, उनके बगैर ये छोड़ते नहीं, हाथ पकड़ा हुआ है कि आपने अगर कोई एक लफ्ज ले लें, लूम कह दिया है, तो फिर उसके साथ ग्रूम कहना बड़ा जरूरी हो गया, और उसके साथ फिर ब्लूम कहना जरूरी हो गया। तो उससे पीछा छोड़ाते छोड़ाते एक सदे पर आकर ये शायरी जो है उसने राइम्स को हटाया, और यूं लगा कि एक बात को कहने के लिए हम राइम्स को जो है वो निभाते चले जा रहे हैं। आपको शक्ल देने के लिए, ख्याल को शक्ल देने के लिए ये हुआ कि हाँ अच्छा इसका राइम अब किसके साथ आता है। अगर इनकलाब है तो शायद इसके बाद आफ्ताब आ जाए, आफ्ताब आएगा तो शायद महताब आ जाए, और महताब के साथ शबाब आए, और उसके साथ जब शराब आए, तो इनकलाब से लेकर शराब तक आने तक तमाम सब्जेक्ट्स बदल गए, वो सब्जेक्ट्स बदल गए जब तक, तो आप सिर्फ वही निभाते रहे कि राइम्स कहां तक हैं। तो फिर महसूस हुआ कि नहीं, जिस आप इनकलाब की बात कर रहे थे वो सीधी सी बात करो, या अगर आप शबाब की बात कर रहे हैं तो शबाब की बात करो। तो वहां से जरा सा हट के शायरी ने एक और रास्ता ढूंढा जिसे हम ब्लैंक वर्स कहने लगे, कि राइम्स मिलना जरूरी नहीं है, लेकिन मीटर्स रखिए, उसके अंदर एक लय है, उसका होना जरूरी है ताकि वो शायरी की तरह महसूस तो हो, उसके अंदर वो म्यूजिक की, वो संगीत की, वो म्यूसिकी की सेंस तो आए कि हाँ पढ़ रहे हैं, रिसाइट कर रहे हैं। तो वो एक और सफर शुरू हो गया, लेकिन वो भी एक दौर तक आते आते अब इस दौर में जिसे हम प्रोज पोएम कहने लग गए हैं, कि जिसमें से वो भी निकल गया कि लय है या नहीं है, लेकिन प्रोज पोएम आई, और जिसे आजाद नज्म या ब्लैंक वर्स इज नॉट विदाउट अ मीटर, आजाद नज्म या ब्लैंक वर्स जिसे हम कहते हैं, तो इट्स नॉट ब्लैंक ऑफ मीटर्स, लेकिन दिस प्रोज पोएम इज द लेटेस्ट यॉनर विच केम, तो उसमें से वो भी हटा दिया। क्या बात कही है, ये नहीं कि आप राइम के लिए फिर उसके लिए लय के लिए फिर आप लफ्ज नापने शुरू हुए, लेकिन एहसास दैट फील ऑफ पोइट्री बिकेम एसेंशियल, एंड ये वो जगह आ जाती है जहां पे बॉर्डर पे चलते चलते आपको पता चले कि फिर प्रोज में और पोएम में क्या फर्क रहेगा, इसको अलग कैसे करेंगे। तो यकीन मानिए कि मुझे यूं महसूस होता है, मैं अपनी राय खासतौर पे कहता हूं, लेकिन आप देखेंगे चारों तरफ कि हम जय कृष्णमूर्ति को पढ़ रहे हैं, ओशो को सुन रहे हैं, एंड वी से ही इज सो पोएटिक, he did not use the verses, he did not use the rhymes, he did not use the meters, and yet we call that prose as very poetic.